हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैट वर्कशॉप चैनल। इस रेविट के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपने पार्ट बना रखा है अपने घर का, तो वहाँ पे अगर आप मटेरियल अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि वहाँ पे अगर आप कलर करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह से करोगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें कि मैं यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से कलर क्रिएट करना और उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं वो चीज बताऊंगा। इस वाली वीडियो में मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक सॉलिड कलर क्रिएट करने करना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैट वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। कोई भी चीज हमें यहाँ पे क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम यहाँ पे एक सिंपल वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वॉल लिया, वॉल आर्किटेक्चरल पे गए और यहाँ पे मैंने खजल कर दिया टू लेवल वन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिंपल वॉल क्रिएट कर ली, ठीक है। 3D लगाइए और 3D करके मैं यहाँ पे इसको रोटेट करा लेता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा वॉल आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लोर लिया और फ्लोर आर्किटेक्चरल लेके और इस तरह से यहाँ पे एक फ्लोर क्रिएट कर ली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब अच्छे से समझ में आएगा भी आपको, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा होगा आपको ये आपकी वॉल क्रिएट है। अब यहाँ पे एक चीज आप पहले नोटिस करना कि ये जो वॉल है, इस वॉल के कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं। तो एक फेस तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, ये लाइन थर्ड, ये ऊपर वाला फोर्थ और ये फिफ्थ। नीचे वाला जो है ये आपका फ्लोर से अटैच है, तो इसको कलर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे फेसेस को आप अलग अलग कलर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको मटेरियल क्रिएट करना है, ठीक है, तो मटेरियल किस तरह से क्रिएट करेंगे, चलिए वो चीज सीखते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ मटेरियल इन रेविट। यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे मैनेज पे, ऊपर देखिए यहाँ पे मैनेज का टैब आ रहा है, इस मैनेज पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है मटेरियल्स का, ठीक है। इस मटेरियल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देखो मटेरियल्स का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने पॉपअप होके आएगा, कुछ इस तरह से, है ना। हो सकता है वो आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होइएगा। यहाँ पे एक सिंपल एरो बन के आती है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये चीज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। तो ये कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड मटेरियल है जो यहाँ पे रेविट आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन आप इसका यूज करना चाहो तो करो, नहीं तो आप यहाँ पे खुद का क्रिएट करो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक रेड कलर का मटेरियल क्रिएट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन बना, उसके बगल देखो एरो की बनी हुई है। इस एरो की आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल और डुप्लीकेट सेलेक्टेड मटेरियल। हमें क्या करना है, नया मटेरियल क्रिएट करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई मटेरियल पहले से पड़ा है उसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हो तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू मटेरियल, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट न्यू मटेरियल से एक मटेरियल यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे तीन आपके टैब आ जाएंगे, आइडेंटिटी, ग्राफ और अपीयरेंस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी पे जाना है और यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है। तो नेम हमने यहाँ पे क्या दिया, वन डॉट रेड। अब यहाँ पे वन लिखने का क्या मतलब है, ठीक है, वन लिखने का ये मतलब है कि यहाँ जो आपका शॉर्टिंग होगी इसमें यहाँ पे आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो ये ऊपर बाय डिफॉल्ट देखिए वन डॉट रेड ऊपर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, यहाँ कोई चीज आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि ये कलर कौन सा है, कोई स्पेसिफिक कलर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है क्लास, क्लास के बारे में यहाँ पे आप लिखना चाहो तो देखो आप ये कौन सा क्लास है, ये आपका पेंट है या पेंट कोटिंग है, देखिए हमने कहा पेंट है सिंपल, ठीक है। कोई कमेंट्स या कोई कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे मैन्युफैक्चरर, एशियन पेंट, वर्गर्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर डालना चाहते हो, मॉडल क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, अब कॉस्ट यहाँ पे आप इनपुट करोगे जो बाद में आप शेड्यूल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप इसका टोटल टोटल एस्टिमेट भी निकाल सकते हो। URL यानी कि कोई ही आपका ये वेबसाइट कोई ओपन करना चाहे तो वो चीज कर सकते हो। की नोट एंड मार्क, कोई चीज यहाँ पे आप एनोटेशंस बाद में रेविट के क्रिएट होते हैं तो वहां पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे। तो ग्राफिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका जो यहाँ पे अगर रेंडर नहीं होगा, रेंडर होने के टाइम पे कैसा आपको जो है ये दिखेगा आपको, है ना। मतलब कि अभी जैसा आपको दिख रहा है ये चीज बिना रेंडरिंग के, वो चीज आपको कैसे दिखेगी। सबसे पहले शेडिंग, शेडिंग में यहाँ पे यूज रेंडर अपीयरेंस पे टिक कर देंगे तो जैसे हम यहाँ पे अपीयरेंस सेट करेंगे वैसे ले लेगा। सरफेस पैटर्न एंड कट पैटर्न, जब यहाँ पे आप 2D व्यू एक्टिवेट करोगे तो
तो ये मटेरियल आपको किस तरह से दिखेगा, ये चीज आप सेट कर सकते हो। इसके बारे में हम और डिटेल में, यानी कि जब डिटेलिंग सीखेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। और कट पैटर्न, कट पैटर्न यानी कि जब 2D व्यू में आप सेक्शन व्यू क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको किस तरह से पैटर्न दिखेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं सिंपल। यहाँ पे फिर आएंगे हम अपियरेंस पे। तो जैसे आप अपियरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे कि आपका टेक्सचर जो है यहाँ पे एक डिस्प्ले हो रहा है कि किस तरह से आप क्रिएट करोगे तो कैसा दिखेगा वो। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे कि सीन आपका स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, क्या है, मेरे का ये वॉल है, तो यहाँ पे वॉल को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए वॉल आ जाएगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। बाकी फिर जेनरिक में यहाँ पे कलर, अब यहाँ पे RGB कलर पूछा है, तो कलर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके कलर का ये डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। कलर कौन सा है, ये रेड कलर, तो मैंने रेड कलर यहाँ सेलेक्ट किया और ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर आपका एक्टिवेट हो गया। इस पर आप क्लिक करिए, फिर से यहाँ पे देखिए पैंटोन कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कलर शेड्स हैं, अगर आप यहाँ से भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट पर्टिकुलर सेलेक्ट कोड का सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो आपके RGB कोड्स दे देती हैं, अगर आप RGB कोड भी आपको पता है तो आप वो चीज़ यहाँ पे आप सेट मतलब इनपुट करके डायरेक्टली मटेरियल अपना क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे ओके। ठीक है, तो देखिए आपका ये कलर यहाँ पे सेट हो गया। अब इमेज का यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी इमेज का कलर यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, इमेज फेडनेस, ग्लोसीनेस, हाइलाइट्स, यहाँ पे नॉन मेटालिक या मेटालिक कलर है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि जो आपका मटेरियल अप्लाई किया है वो कितना रिफ्लेक्टेंस देगा, तो हम इसको यहाँ पे मान के चलिए 2 to 3 लेके चलते हैं। ठीक है, सेम इस तरह ऑब्लिक ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप यहाँ पे मटेरियल को अपने ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये हमारा ग्लास मटेरियल तो है नहीं, तो हम ट्रांसपेरेंसी को हटा देंगे। ठीक है, कटआउट्स, यहाँ पे कटआउट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो आपके ऑप्शन है कटआउट, सेल्फ एनिमेशन और बम्प और टेट, इनके बारे में मैं यहाँ पे अगले और जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके बारे में बात करूंगा। ओके, सो इतनी मेन चीज थी यहाँ पे आपकी, आपका कलर और रिफ्लेक्टिविटी, ये चीज मैंने दोनों दे दी, और आप सिंपली करेंगे ओके। तो यहाँ पे आपका इस तरह से मटेरियल क्रिएट होके बन गया। अब आपको क्या करना है, मटेरियल को अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने कैसे करेंगे तो वो चीज अच्छे समझिएगा थोड़ा। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाइड टैब पे। मॉडिफाइड टैब पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेंट, और पेंट की देखिए शॉर्ट की यहाँ पे PT। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे PT टाइप करोगे या पेंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स देखिए इस तरह से अपियर होके आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका वन डॉट रेड, तो वन यहाँ पे मैंने इसी लिखा था कि ये आपका सबसे ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे देखिएगा तो जो आपका सिलेक्शन है ये सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस ऑन है या ये ऑफ है। अगर ये क्रॉस है मतलब कि ऑफ है, क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से पेंट टाइप किया या फिर PT टाइप किया, रेड कलर पे मैंने क्लिक किया, और इसको किस फेस में अप्लाई क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद किस फेस में इसको अप्लाई करना है वहां पे जाके आप इसको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपका मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेस पे अप्लाई हो गया, दूसरे फेस पे करना है तो दूसरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए, सेम इसी तरह तीसरे फेस पे, फोर्थ, एंड इस तरह से आप फिफ्थ फेस पे भी अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप एक सिंपल सा सॉलिड कलर अपने वॉल या कोई भी कंपोनेंट में अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें हैं मटेरियल में, मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करूंगा, मैं और आगे मैं डेली इसी की वीडियो भी बनाऊंगा, तो एक ही साथ बना दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।